नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की तीन बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि आज की लिस्ट से मैं आपको रूबरू कराऊं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि हमारे सत्य हिंदी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। तो आज की एजेंडा की लिस्ट में हमारी पहली स्टोरी है आज अमित शाह यानी कि गृह मंत्री का बंगाल दौरा। वो अगले दो दिन वेस्ट बंगाल में है और आज पहले दिन क्या कुछ रहा, क्या कुछ हेडलाइंस बनी, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर है कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं, जहां तक कृषि कानून की बात उठ रही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी में, और अब उन्होंने जाकर किसानों का समर्थन किया है, इसके बारे में आपको खबरें बताएंगे। और तीसरी खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से, जहां पर आज 10 जनपद पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है सोनिया गांधी और जितने जो आलाकमान जो लीडर्स हैं उनके बीच में, और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसे चुना जा सके। और बाकी किस तरीके के सुधार की क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, उस पर भी मंथन चल रहा है। तो क्या कुछ उसमें हुआ उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। आज गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी मिदनापुर के इलाके में थे और अगले दो दिन का उनका दौरा पश्चिम बंगाल में रहेगा। भरपूर तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दिया है और आज जब वो अपनी अपनी एक रैली को संबोधन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि बीजेपी अब 200 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार कर लेगी पश्चिम बंगाल में। लेकिन साथ में ही जो भगदड़ जिस तरीके की मची हुई है कि तृणमूल छोड़ छोड़कर लोग बीजेपी जा रहे हैं, तो आज शुभेंदु अधिकारी को मिलाकर लगभग 13 ऐसे तृणमूल कांग्रेस लीडर्स थे जिनकी आज अमित शाह ने परेड कराई। उनमें से बहुत सारे नाम हैं। शुभेंदु अधिकारी का नाम तो हम आपको पहले से बता ही रहे थे। उसके अलावा जो पूर्वी बर्धवान के एमपी हैं सुनील मंडल, दशारथ तर्की, तपासी मंडल, अशोक तिंडा, श्यामा प्रसाद, श्यामपाडा मुखर्जी, इन सारे लोगों के नाम आ रहे हैं कि किस तरीके से। और इसमें कई कांग्रेस और लेफ्ट के भी विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का रुख किया है। और कल जैसा कि अर्जुन सिंह वहां के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा ही था कि अभी साल के अंत तक आप देखेंगे कि बहुत सारे नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। और आज भी अमित शाह ने इस बात को कहा है कि ममता दीदी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साल के अंत तक आपकी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी जब तक ये चुनाव आएंगे, यानी कि अगले 6 महीने जो डिफेक्शंस का सिलसिला है वो पार्टी में लगातार बना रहेगा, यानी कि लोग तृणमूल के जो नेता है वो छोड़ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब बीजेपी का क्या आरोप है? बीजेपी का ये कहना है कि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को कुछ नहीं दे पा रही है और इसलिए छोड़ छोड़कर उनको कोई ना कोई एक अट्रैक्शन बीजेपी में मिल रहा है, इसलिए वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि तृणमूल का कहना है कि केंद्र सरकार पैसे से और सत्ता के बल से इन सारे विधायकों को खरीद रही है और बीजेपी अपनी तरफ इन नेताओं को खींच रही है। लेकिन साथ में आज कुछ और भी जो जिस तरीके का एक नैरेटिव आने वाले चुनाव में बनेगा कि रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म का, तो आज अमित शाह ने कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे खुदीराम बोस और रामा प्रसाद बिस्मिल का मेंशन किया कि ये जो लीडर्स हैं ये सिर्फ बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे। और जिस तरीके की आज ओछी राजनीति तृणमूल कर रही है वेस्ट बंगाल में, तो अगर आज ये फ्रीडम फाइटर्स यानी कि खुदीराम बोस और रामा प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहे थे कि अगर वो आज जिंदा होते तो उन्हें भी आज देखकर अपने फ्रीडम फाइटर होने पर शर्म आती। इसके साथ साथ आज अमित शाह ने उस संबोधन में अपने ये भी कहा सारी जनता से, जो ईस्ट मिदनापुर की जनता थी उससे ये बोला कि आपने 30 साल कांग्रेस को दिए थे, 27 साल आपने लेफ्ट को दिया, 10 साल तृणमूल को दिया, तो अब 5 साल बीजेपी को देके भी देखिए और फिर अपनी जिंदगी में जो बदलाव देखेंगे उसे आप देखते रह जाएंगे। तो एक भारी क्राउड था, बहुत भारी संख्या में लोग मेदिनीपुर में इकट्ठा हुए थे जहां आज अमित शाह ने अपनी मीटिंग बुलाई थी। लेकिन साथ में आपको आज ये भी बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं, आज उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है सारे टीएमसी के नेताओं को कि अब एक नई शुरुआत की जरूरत है बंगाल में और इसके लिए अब जरूरत है कि हम सब हाथ मिलाएं।
उसके अलावा अमित शाह ने जो और भी बातें कही बार बार चुनौती देते हुए कि जितना हिंसा की राजनीति ममता बनर्जी करेंगी उतना ही ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। और इसके अलावा उसके बारे में भी मेंशन किया अमित शाह ने कि किस तरीके से लोग बंगाल के ये बोलते हैं कि अब ममता बनर्जी अपने भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी को ही ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रही हैं, ये पूरी जो सरकार है ममता बनर्जी की वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। इतना सारा फाइनेंशियल एड सेंटर ने दिया था साइक्लोन अम्फन के टाइम, इतना राशन भेजा था, लेकिन वो सारा राशन टीएमसी के गुंडे खा गए। इन सारी बातों को आज अमित शाह ने कहा है। तो कुल मिलाकर एक रोचक चुनाव होने वाला है। और ये तो बात तय है कि बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया है, चाहे जैसे भी दिखाए, चाहे पैसे के बल पर, चाहे केंद्र की जो सत्ता का बल है, और कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। आपने लोकसभा के चुनाव देखे थे कि 42 में से 18 सीटें तृणमूल को मिली थी, और अब जो 294 सीट्स हैं, आज अमित शाह ने ऑलरेडी कह दिया कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अब जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत कर आएगी। तो यहां पर नैतिकता का सवाल नहीं है। बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि हर पार्टी को एक स्वतंत्रता है अपनी तरीके से एक नैरेटिव बनाने की, और वो नैरेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन नैतिकता का एंगल बार बार तृणमूल कांग्रेस लेकर आ रही है। जैसे कि अधिकारियों को जो तलब किया गया है उस पर जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार की ममता बनर्जी बातें करती हैं, तो ये एक बहुत ही कांटेदार जो एक राजनीति होती है वो इस समय ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। तो जो प्रतिद्वंदी पार्टीज हैं मेन वेस्ट बंगाल में, इस समय तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ही नजर आ रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल खत्म सा नजर आ रहा है, और जहां पर एग्जिस्टिंग भी है तो वहां पर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से वहां के लीडर्स भी इस समय बीजेपी ज्वाइन करने को व्याकुल हैं। तो कुल मिलाकर एक रोचक चुनाव होगा, और अगले 6 महीने तक पश्चिम बंगाल बिल्कुल हेडलाइंस से उबलता रहेगा। रोज वहां कोई ना कोई हेडलाइन आएगी। अगर अमित शाह का दौरा नहीं होता तो कैलाश विजयवर्गीय या दिलीप घोष इंश्योर करते हैं कि सुर्खियों में वेस्ट बंगाल का चुनाव बना रहे, चाहे वो हिंसा की राजनीति पर हो, चाहे ऑफिसर्स की को तलब किया गया हो, किसी न किसी तरीके से हेडलाइंस में बने रहना है। और इसीलिए शायद वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटिक्स है उससे अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी डर लगने लगा है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, जो गुरिल्ला स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो शायद टीएमसी कहीं मैचअप नहीं कर पा रही है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। बीजेपी की ऐसा लगता है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि पहले कांग्रेस के नेता थे, फिर उन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन किया, इनफैक्ट 2019 में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के समय नेता हैं, और अब उन्होंने अपना समर्थन किसानों को दिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुछ बातें कही हैं कि वो एक किसान के परिवार से आते हैं और उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, फिर कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद बीजेपी गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पृष्ठभूमि को भूल जाएंगे। सर छोटू राम पार्क में उन्होंने आज ये संबोधन कल किया था और किसानों से कहा कि जो सरकार का दायित्व है वो यही है कि बातचीत के जरिए किसी न किसी तरीके से ये जो पूरी मसले का जो हल है उसे निकाला जा सके। और आज तक को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें ये कहा था कि सरकार तो कहेगी कि ये कानून गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं संवाद की जरूरत है, और जिस दिशा में ये संवाद चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो किसानों के हित में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि मेरा ये नैतिक दायित्व है कि मैं इस समय किसानों के साथ दिखूं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का किसानों को समर्थन देना अपने आप में एक बड़ी बात है, और इससे जो बाकी राज्य में जिस तरीके के जो विरोधाभास के जो सुर नजर आ रहे हैं और वहां पर बीजेपी के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। और ये भी हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी जो बीजेपी के नेता कृषि कानून से इत्तेफाक नहीं रखते, तो हो सकता है कि वो भी इसी तरीके से किसानों को खुला समर्थन देने के लिए उतर आएंगे। उधर आपको बता दें कि खट्टर सरकार यानी कि मनोहर लाल खट्टर की जो हरियाणा में सरकार है वो ऑलरेडी बहुत दबाव में चल रही है, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, तो उनके उनकी पार्टी में भी अंदरूनी जो स्वर हैं और जितनी भी आवाजें वहां से सुनाई पड़ती हैं वो यही कहती हैं कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, वो किसान प्रधान एक पार्टी मानी जाती है, तो अगर आज वो खुलकर मैदान में किसानों का समर्थन नहीं देते तो
हरियाणा सरकार पर भी दबाव बनेगा क्योंकि दुष्यंत चौटाला मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें ये पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और जैसे ही अगर जेजेपी ये पार्टी छोड़ता है तो खट्टर की बीजेपी सरकार गिर जाएगी, यानी कि सरकार वहां पे हरियाणा की खत्म हो जाएगी बीजेपी की। तो काफी सारे इस समय चुनौतियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं। कल भी उन्होंने जब मध्य प्रदेश में मीटिंग हो रही थी और उन्होंने जब किसान सम्मेलन को संबोधित किया तो वहां पर बोला कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, एमएसपी नहीं जाएगी, मंडी सिस्टम नहीं हटेगा। और उन्होंने हाथ जोड़कर अनुरोध किया सबसे कि आप सारा क्रेडिट कृषि सुधारों का, विपक्षी पार्टी से उन्होंने कहा कि आप कृषि सुधारों का क्रेडिट आप ले लीजिए, लेकिन मैं किसानों की तरक्की चाहता हूं, उनका अच्छा जीवन चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक मॉडर्निटी आए इस पूरे कृषि और खेती किसानी सेक्टर में। तो ये सारी बातें कही हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से गतिरोध की एक स्थिति बनी हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन किया है, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति की बात हो रही है, लेकिन वो समिति का गठन कब होगा, कब ये मामला सुलझेगा, ये एक लंबी बात है। लेकिन फिलहाल साइड बाय साइड जो बीजेपी ने किया है कि वो किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कृषि कानून पर लोगों को कन्विंस कराए, आश्वस्त कराए कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं है, और इसको लेकर वो जगह जगह किसान चौपाल कर रही है, सम्मेलन कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लेकिन जो संवादहीनता दिख रही है, जो संवाद की एक कमी नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि बार बार इस बात के आरोप लग रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग को की बातें सिर्फ विपक्ष कर रहा था और उनकी सरकार ने इसको कर दिखाया, लेकिन आज इसको लेकर फिर से विरोधाभास के सुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का, कई किसानों का ये कहना है कि जिन चीजों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के इम्प्लीमेंट किया गया है वो आधी अधूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री का ये कहना कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अमल किया है, तो वो कहना गलत होगा, यानी कि कहीं ना कहीं किसान इससे भी आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो संवाद की दिशा है, ये किस तरफ को जाएगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें लगता है अभी खत्म नहीं हो रही है, खासकर तब जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता अब खुलकर आकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं पर बीजेपी कैसे शिकंजा कसेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक को लेकर जो आज 10 बजे जनपद पे शुरू हुई। कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, आज उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में तमाम कांग्रेस के आला नेता और खासकर वो जो 23 लोगों का जो एक गुट था जिसने अगस्त के महीने में सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अब ये आत्मविश्लेषण का समय है और बहुत कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है कांग्रेस पार्टी में, तो उनमें से कई लीडर्स जैसे कि पी चिदम्बरम और ऐसे कई लीडर्स थे जो कि आज इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, पी चिदम्बरम, अशोक गहलोत। लेकिन इस मीटिंग की अगुवाई एक तरीके से और जिस मीटिंग का पूरी जो कोई कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है वो कमलनाथ ने की थी, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से सोनिया गांधी से मिलते रहे और अब जाकर ये बात तय हुई कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, जिनको हम G23 गैंग कहते हैं, तो उनके लीडर्स आज पहली बार सोनिया गांधी से फेस टू फेस मिले। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मीटिंग बहुत सकारात्मक रही और बहुत बहुत सारी विषयों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से पार्टी में सुधार लाया जाए, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कैसे किए जाएं, खासकर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। और जिस पर कल रणदीप सुरजेवाला ने ऑलरेडी एक टोन सेट कर दिया था ये कहते हुए कि अभी भी कांग्रेस के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी ने कहा है और वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर उन्हें किसी बात की जिम्मेदारी दी जाएगी या किसी ड्यूटी की जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर वो अमल करेंगे और वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, जिसको लेकर काफी तालियां भी बजी आज की मीटिंग में। लेकिन जो एक प्लान बी है कि अगर इनकेस राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो प्रियंका गांधी का नाम भी फ्लोट किया जा सकता है अध्यक्ष पद के लिए। तो ये जो एक बैठक है आज एक अहम बैठक है, खासकर जो कांग्रेस की दशा और दिशा को तय करेगा। और आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का
की काफी आलोचना हुई, खासकर बिहार चुनाव के बाद जब कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने खुलकर बोला कि अब कांग्रेस में आत्मविश्लेषण का समय खत्म हो चुका है, आत्ममंथन का खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, बहुत सारा समय हम गंवा चुके हैं और इसको लेकर पार्टी की काफी आलोचना हुई। उसके बाद भी आपने देखा कि कांग्रेस का बहुत ही डिस्मल परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो हैदराबाद के चुनाव में हो और चाहे जो बायपोल्स हो, कहीं पर भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो आज कहीं ना कहीं जो आज की बैठक है वो अब अगले 10 दिन चलेगी ये बताया जा रहा है, और इसमें कोई ना कोई निर्णय हो सकता है निकल के आए। लेकिन जो 3-4 बिंदु हैं जिन पर की बार बार कांग्रेस में बातचीत होती रही है, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष पार्टी नहीं, किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अब जैसे कि रिफॉर्म्स की, कि कैसे सुधार किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी का, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सिर्फ पार जितनी भी ताकत है वो पूरी एक जगह केंद्रित ना रहे, उसको लेकर भी बातचीत होती रही है। स्टेट यूनिट्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, इसकी भी बातें होती रही हैं। एक सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन की बात होती आई है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ बातें ही रही हैं। और जिस तरीके से एक पूरे लीडरशिप का एक ड्रिफ्ट दिखता है कि अलग 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 थलग ये लीडर्स बैठे हैं, तो इन सारी बातों पर सिर्फ बातें ही हुई हैं। लेकिन क्या अब जो 10 दिनों तक, अगले 10 दिन तक ये पूरा जो मंथन चलता है, इस पर क्या इन बातों पर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, उस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन जो सुर आज सुनाई पड़ रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि फिर से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या किसी न किसी के गांधी परिवार के सदस्य का ही नाम अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा, जिसका टोन और एजेंडा कल रणदीप सुरजेवाला ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो जो मूड क्वेश्चंस हैं, जो कि G23 के जो लीडर्स थे, जो डिसेंटिंग लीडर्स थे कांग्रेस के, जिन्होंने सारी बातें लिखी थी कि उनकी बातें कोई सुनता नहीं है, रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो सारे बिंदु मैंने आपको बताए हैं, वो देखना होगा कि किस तरीके से एक संवाद के जरिए इन सारी बातों पर निष्कर्ष निकल कर आता है। तो इन सब पे हमारी निगाहें टिकी होंगी, और जब कोई निष्कर्ष निकलता है तो उसको लेकर भी आपको खबरें बताऊंगी। आज के एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते एक बार आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से हमारे सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।